ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रमेश यादव को मंडी जिला प्रारूप का संघ का अध्यक्ष चुना गया है। एनजीओ भवन मंडी में हिमाचल प्रदेश प्रारूप का संघ पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के जिला कार्यकारिणी के चुनाव प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुए। रमेश यादव ने अपनी ताजपोशी के लिए सभी प्रारूप कर्मचारियों का आभार जताया। रमेश यादव को मंडी जिला प्रारूप कार संघ का अध्यक्ष चुना गया है। एनजीओ भवन मंडी में हिमाचल प्रदेश प्रारूप कार संघ की जिला कार्यकारिणी के चुनाव प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें रमेश यादव को सर्वसम्मति से प्रधान, प्रताप सिंह को वरिष्ठ उप प्रधान, चेतराम को महासचिव, जय सुखलाल और शांता देवी को उप प्रधान, प्रवीण कुमार को कोषाध्यक्ष, हंसराज को मुख्य सलाहकार तथा पंकज, तिलक शर्मा, जगदीश कुमार, मेघ सिंह, ब्रिजलाल, पुनीत शर्मा, रोशनलाल, सुरेश कुमार, प्रवीण कुमार, भगत राम, दिनेश कुमार, तुलसीराम, हुक्म चंद और घनश्याम सिंह को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया है। रमेश यादव ने अपनी ताजपोशी के लिए सभी प्रारूपकार कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग के प्रारूपकारों को जो भी मांगे और समस्याएं होंगी उन्हें सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को राज्य कार्यकारिणी के गठन के बाद मांग पत्र तैयार किया जाएगा। अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो कि हमारे कैडर की जो समस्याएं हैं उनको सबसे विचार विमर्श करके और अभी जो हमारा राज्य स्तर का जो चुनाव होना है उसमें हम मांग पत्र तय करेंगे और जैसे ही वहां से फाइनल मांग पत्र बनेगा 24 नवंबर को ऊना में होने जा रहा है हमारा चुनाव, उसके बाद हम मिलजुल के जो है वो मंथन करेंगे और एक रूपरेखा बनाएंगे और शीघ्र ही हम प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो आईपीएच मंत्री हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, दोनों से हम मिलेंगे और हमारी जो मांग पत्र तैयार होगा समस्याओं को लेकर के उसको उनके सामने रखेंगे। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने आए प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर ने जिले की नई कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को ऊना में राज्य कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने सभी जिलों के डेलीगेट से भाग लेने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई कार्यकारिणी को सभी के सहयोग से चुना जाएगा। स्टेट के जो इलेक्शन है हमारे होने तय हैं 24/11/2019 को ऊना में होने तय हैं, तो मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं सबको अवगत करवाना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इलेक्शन में आए और सही प्रतिनिधित्व स्टेट को, ड्राफ्टमैन एसोसिएशन को दें।